हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं रांची के वाइल्ड वादी फ्लावर पार्क में, जिसका एंट्री फी है 200 रुपीज़ पर हेड और वीकेंड जो कि सैटरडे और संडे होता है उसमें है 300 रुपीज़ पर हेड। तो मुझे बैंड मिल गया है, अब मैं एंट्री करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फैमिली ट्रिप पे फिर से आए हैं, कहाँ, वाइल्ड वादी, लेकिन इस बार है फ्लावर पार्क, जो कि झारखंड का सबसे पहला फ्लावर पार्क है। हम एंटर कर चुके हैं और ये रही मेरी फैमिली जो हाय कर रही है, और आप देख सकते हैं फ्लावर्स जिसे हार्ट शेप में डेकोरेट किया गया है, जो कि देखने बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये आप देख सकते हैं साइड में पिटूनिया लगी हुई है डिफरेंट कलर्स में, और हम थोड़े धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। ये हार्ट शेप जो फ्लावर्स डेकोरेट किया गया है, ऐसा लग रहा है ना कि ये फ्लावर्स हमारा स्वागत कर रही है। बहुत मजा आ रहा है, हम लोग यहाँ पर आए हैं, फोटो शूट वीडियो शूट सब हो रहा है। लास्ट टाइम आया था तो यहाँ सब चीज बन रहा था, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए है। जिप लाइन भी है, आप देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग आनंद ले रहे हैं जिप लाइन का, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। ओ, दिख नहीं रहा है वहाँ से है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड फिर इसका इधर से लेके वहाँ पर है एंड पॉइंट। वो मोहतरमा जिसकी ड्रेस फ्लावर्स से बनी हुई है, क्या आपने ऐसा ड्रेस कभी देखा है? और ये रही एक और मोहतरमा। हम लोग को कपड़ा बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पर, देखिए ये सुंदर सी परी जैसा फ्लावर गर्ल है, सी इज अ फ्लावर गर्ल, और देखिए बहुत सुंदर से इसका कपड़ा पहनाया गया है। और ये हमारे नए नवेले कपल जो कि फ्लावर गर्ल के साथ में है। यस, फोटो खिंचाने के लिए दोनों रेडी है, बट इन्हें पता नहीं है कि फोटो नहीं वीडियो हो रहा है। यही वो जगह है, इसका मैं स्टोरी बताती हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली जब हम लोग आए थे तो मेरे भैया का फोन खराब हो गया था, और अभी देखिए इसे कितना ब्यूटीफुल फ्लावर पार्क बनाया गया है। जहाँ से पानी गिरता है लाइट्स लग कर दिया गया है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग शेप के फोटो फ्रेम बने हुए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देखिएगा, वो हार्ट शेप का फोटो फ्रेम है, और इधर मेरे बगल में देखिए स्क्वायर शेप का फोटो फ्रेम है, जो कि टिल्ट किया हुआ है, जिसमें फोटो शूट जारी है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में मैं पूरा इंजॉय कर रही हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करिए। तो देखिए यही वो इंसान है जो बहुत बिजी रहता है, देखिए अभी भी देखिए फोन पे बिजी हुआ है। मोर है जहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके टेल को फ्लावर से सजाया गया है, लाइट से सजाया गया है, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और यहाँ है बर्ड पार्क, जो कि अभी तो बाहर से बंद है, एक्चुअली बंद नहीं है, ये है ना कवर किया गया है। वो देखिए सामने आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझे, ये है हंस, और उसे देखने के लिए मैं स्लो मोशन में चल रही हूँ, ताकि मैं वो लोगों को डराऊँ नहीं और वो लोग भी मुझे देख के डरे नहीं। और फिलहाल तो मुझे थोड़ी थोड़ी डर लग रही है,
क्योंकि कहीं वो लोग डर के मारे भाग ना जाए या फिर मुझ पर हमला ना कर दे। और ये देखिए आप सामने से हंस, मैं अपने लाइफ में पहली बार इतने पास से किसी हंस को देखी हूँ, किसी क्या इतने सारे हंस को पहली बार मैं अपने लाइफ में देखी हूँ। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुली परमेश्वर ने इसे रचा है, कितना खूबसूरत इसका कलर है। और ये देखिए ये लोग कितने आराम से हैं, यहाँ पर रहते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये हंस को पाला है। और इवनिंग का टाइम में आप आके इस हंस को देख सकते हैं और आप इन्हें टच भी कर सकते हैं। मैंने तो इन्हें टच नहीं किया था क्योंकि मैं इन्हें डराना नहीं चाहती थी। मेरे पीछे आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे जो कि हंस को टच करने का कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ बर्ड पार्क, देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीकेंड में आई थी इसलिए मेरे पीछे आपको बहुत सारा भीड़ नज़र आ रहा होगा जो कि यहाँ पर घूमने आए हैं, बर्ड्स को देखने आए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ बर्ड हाउस। ये रहे छोटे छोटे बर्ड हाउस जो कि पॉट से और बॉक्स से बनाया गया है, बहुत ही क्यूट बर्ड हाउस। और यहाँ पर आप पास से देखिए किन किन पक्षियों को यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं कितने क्यूट है और कितने खूबसूरत उनकी कलर्स है, और वो सब अपना चारा चुग रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कुछ लोग जो कि अपने हाथों में बर्ड्स को लिए हुए हैं, और कुछ लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हाँ वो आएंगे उनके हाथ से इस तरह के चारा खाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नकली पेड़ बना हुआ है जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग सभी लोग बर्ड्स को देखने के लिए आए हुए हैं। आप ही देखिए फिर से ये आगे दूसरी चिड़िया जो कि इनके हाथों में बैठी हुई है, येलो बर्ड। बहुत ही अच्छे से ये क्या है दाना ले रही है, खा रही है। और तो डर गई मुझे लग रही है। मेरा वीडियो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर से जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।